बाड़मेर जिले के चवा निवासी एक नवविवाहित जोड़े ने सुरक्षा की मांग को लेकर शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नवविवाहित जोड़े ने परिवार से खतरे का हवाला देते हुए सुरक्षा की मांग की है। सुरक्षा की मांग को लेकर पहुंचे नवविवाहित जोड़े ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नाम ज्ञापन सौंप कर धमकियां देने वाले परिजनों को पाबंद कर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है। बाद में जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नाम सौंपे ज्ञापन में सिंधरी चारणा निवासी 20 वर्षीय संतोष पुत्री भवरा राम जाति ग्वारिया ने बताया कि उसके माता पिता या उसके परिजनों ने बाल्यकाल में उसका विवाह गोदारो की ढाणी चवा निवासी जसराज पुत्र शरण कुमार के साथ करवाया था, लेकिन अब जब वह बालिग हो गई है तो उसके परिजन अनुचित लाभ प्राप्ति की इच्छा से उसे उसके ससुराल भेजने के बजाय उसकी शादी कहीं और करवाना चाहते हैं, जिससे वह सहमत नहीं थी और उसने बाल्यकाल में हुए विवाह को स्वीकारते हुए जसराज पुत्र शरण कुमार निवासी गोदारू की ढाणी चवा से आपसी रजामंदी से शादी कर ली है। नवविवाहित जोड़े का आरोप है कि शादी के बाद से ही युवती के परिजन दोनों को जान से मारने की धमकियां देने के साथ समाज से बहिष्कृत करने की धमकियां दे रहे हैं। संतोष है, मेरी आज शादी हुई है, 16 साल बाल विवाह हो चुका है और मैंने एफ सी साहब ने मिलने के लिए आया, दूसरी से शादी करना चाहते थे, मैंने नहीं की, मैंने इसके साथ संतोष से शादी हो चुकी है तो मैं दूसरी शादी क्यों करूँ, इसलिए मैंने मना कर दिया। किस किस से आपको खतरा, किस से? मेरे मम्मी पापा से हो चुकी है बाल विवाह, इनके पिताजी दूसरी शादी कर रहे थे जबरदस्ती, इसलिए हम दोनों ने बाहर के शादी कर दी। आगे से मिले, अब हम एसपी साहब से मिलने आए थे, हमारे जान को खतरा है, इसलिए हम हमारे सिक्योरिटी मांगने आए। कौन सा गाँव आपका? मेरा गाँव चौबा आ रहा हूँ सर। आपकी जब शादी हो गई तो किससे का खतरा, किससे? लड़की के माँ बाप से खतरा है। नवविवाहित जोड़े ने बताया कि दोनों बालिक हैं और अपना अच्छा बुरा समझने के साथ एक दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। नवविवाहित जोड़े ने धमकियां देने वाले परिजनों को पाबंद करने के साथ पुलिस से सुरक्षा दिलाने की गुहार लगाई है।